प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और एक बार फिर से मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आप सबको इस वर्ष में संभाले रखे, इस वर्ष में आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपनी भेड़ों की अगुवाई चरवाहे सा करता है। हालेलुया। सो प्रभु आपको लेके चले और आपको थामे रहे और ये वर्ष आप सबके लिए बड़ी बरकत का बाइस ठहरे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ एक बात पर प्रियो, यदि आप मुझे सुन रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं सारी बातों को, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात यह है, क्या ये वर्ष जो हमने पाया है 2023, क्या इसे हमने अपनी योग्यता से पाया है? अगर आप आंसर करेंगे तो प्रत्येक जन का मैं आंसर जानता हूं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा हाँ मैंने अपनी योग्यता से इस वर्ष को पाया है, इस नए वर्ष में मैं अपनी योग्यता से प्रवेश कर पाया हूं। पर अधिकतर लोग एक ही बात कहेंगे कि ये हमने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है। हालेलुया। विश्वास करते ना, हर एक जन ने जो ये वर्ष देखा है वो मात्र परमेश्वर के अनुग्रह से देखा है। ये ना हमारी योग्यता है, ना हमारी लियाकत है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का फजल है, उसका अनुग्रह है कि हम इस वर्ष में प्रवेश करने पाए हैं। हालेलुया। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं प्रभु, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत मायने हैं। जब आप इस वर्ष में आ गए तो पता है परमेश्वर ने भी एक चीज को करा है, एक चीज को परमेश्वर ने किया है आपकी लाइफ के ऊपर। मालूम है क्या है? परमेश्वर का भरोसा। हालेलुया। एक और वर्ष जो हमने पाया, यानी कि एक और साल जिसमें परमेश्वर आप पर भरोसा कर रहा है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, परमेश्वर ने एक और साल आपको दिया है, पता है इस कारण से कि परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करता है कि इस साल आप उसके साथ पाए जाएंगे और एक अच्छा संबंध आपका और उसका होगा। हालेलुया। यही तो ट्रस्ट है, इसलिए तो मैं और आप इस वर्ष तक पहुंचने पाए हैं। एक भरोसा प्रभु ने जताया है, प्रभु ने एक और वर्ष देकर ये भरोसा जताया, ये डिक्लेयर किया है कि इस वर्ष मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ कि तू इस वर्ष में अपना जीवन मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है लुका उसके 13 अध्याय और उसके 6 से 9 पद को जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है एक अंजीर के पेड़ का दृष्टांत प्रभु ने वहां बोला। बाइबल में ऐसा लिखा है 6 पद में, फिर उसने उनसे दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। एक दृष्टांत प्रभु दे रहे थे और मालूम है एक बात बता रहे थे, ये अंजीर का पेड़ कहीं ना कहीं मैं और आप है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा है कि वो उसमें फल को पाए। पर पता है कई वर्षों से वो आ रहा है, ढूंढ रहा है, पर देयर इज नो फ्रूट, कोई फल उस वृक्ष में नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा होती है कि वो उसे काट डाले। पर पता है जो उसकी देखभाल करने वाला है, जो उस वृक्ष की देखभाल करता है, वो उस स्वामी से एक बात कहता है,
जो रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल में क्या लिखा है, इसे इस वर्ष और रहने दे ताकि मैं इसमें खाद डालूं, है ना, इसके चारों ओर इसे खोदूं और खाद डालूं, यदि आगे को फले तो बेहतर है, नहीं तो उसे काट डालना। आपको मालूम है आपके जीवन के लिए सर्वदा यीशु मसीह पिता से एक ही बात कहता है कि मुझे इसमें वर्क करने दे, मुझे इनमें काम करने दे। पाखरू आपको दिए गए हैं, मालूम है किस कारण से, कि पाखरू आपको पवित्र बनाए, यीशु मसीह के स्वभाव में लेके आए और आप में यीशु मसीह जैसे फल दिखाई दे, पवित्र आत्मा के फल आप में दिखाई दे। पर हो सकता है कई वर्ष बीत गए हैं, कई वर्षों से ये फल नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए विनती करी है और आपके ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट किया है, एक साल और दिया है अनुग्रह का, एक वर्ष और दिया है दया का कि वो आप में मेहनत करे और आप में आत्मा के फल लग जाए। हालेलुया, आप आत्मा के फलों में बढ़े, आपका जीवन परमेश्वर के स्वरूप में हो, आपका जीवन प्रभु यीशु की समानता में हो, इसलिए प्रभु ने ये वर्ष मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, इस वर्ष में हो सकता है आपके पास बहुत सारी बातें हो कहने के लिए कि पता नहीं कैसे इस वर्ष को हम पार कर पाएंगे। ये नया वर्ष मैं आपको बताऊं एक उफनती हुई नदी के समान है, बहुत बहुत ज्यादा शायद टफ आपको लग रहा होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक आपको लग रहा होगा कि ये समय पता नहीं कैसा होगा 2023 हमारे जीवन के लिए, ये नया वर्ष कैसा होगा, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होंगी। पर मैं आपको बताऊं, भले ये आपको फंती हुई नदी के समान लग रहा हो पर इसे आप पार कर सकते हैं। हालेलुया, इसे आप पार कर सकते हैं, पता है कैसे, प्रभु के आश्चर्य कर्म के द्वारा, प्रभु की सहायता से। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, यूहन्ना 15 उसके 5 में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, अर्थात तुम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर इस वर्ष को अच्छी रीति से पार करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों में बने रहकर पार करना चाहते हैं, मुश्किलें भले कितनी हो आप उसे सहजता से पार करना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना होगा, आपको परमेश्वर में बने रहना, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना होगा। हालेलुया, इसलिए बाइबल में लिखा है जो डाली मुझ में है वो बहुत फलती है, है ना, प्रभु ने ऐसा कहा, जो डाली उसमें है और नहीं फलती उसे वो काटता है, काट डालता है, पर जो उसमें है वो फलती है उसे वो काटता छाटता है, सब कुछ वो उस पर करता है, मेहनत करता है ताकि उसमें फल दिखाई दे। और प्रभु कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम प्रभु में नहीं जुड़े रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर में नहीं पाए जाएंगे, उसके साथ साथ इस वर्ष में नहीं चलेंगे, हम नहीं फल सकते। परमेश्वर की इच्छा है, वो उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया था और आज वो मेरे और आपके जीवन में फल ढूंढने आता है, पर पता है ये फल मिल नहीं पा रहा क्योंकि हम अभी तक प्रभु के साथ जुड़े नहीं पाए। वो हम पर मेहनत कर रहा है, वो हमें नए वर्ष दे रहा है, नया जीवन दे रहा है, नई नई चीजों में बढ़ा रहा है, पर अभी तक हमने फल नहीं पाया जा रहा, कहीं ना कहीं एक कमी है, वो कमी है कि हम परमेश्वर में, प्रभु में जुड़ नहीं पाए, अभी तक उस दाखलता से अटैच नहीं हो पा रहे। हालेलुया, आपको अगर ये साल पार करना है और ऐसे नहीं फलों के साथ बढ़ना है, प्रभु में बने रहना है, तो पता है आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की जरूरत है, उसके मिरेकल की जरूरत है। जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे और उसके तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, आपको एक बात समझ में आएगी। बाइबल में लिखा है कि यहोशू और वो प्रजा के लोग, इजरायली प्रजा के लोग एक स्थान पर टिक गए, मालूम है रुक गए। कारण क्या था? क्योंकि यर्दन नदी उफान पर थी, यर्दन नदी उनके सामने थी और उफान पर थी, अब वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो इसलिए टिक गए। बाइबल में ऐसा लिखा है वो टिक गए क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी,
चुनौती बहुत बड़ी थी, उन्हें पार जाना था, पर यर्दन उनके सामने था, यर्दन नदी उनके सामने थी, उफान पर थी, और ये पार नहीं कर पा रहे थे, बहुत चिंतित थे। पता है परमेश्वर ने उन्हें एक बात बोली, जब अब यहोशू उसके तीसरे अध्याय और उसके पांचवें पद को पढ़ेंगे, लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने एक बात करी, संपूर्ण प्रजा से बात करी, उसने कहा कि अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो, आश्चर्यकर्म देखना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम यह है कि तुम्हें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है जब भी मिरेकल की आप डिमांड करते हैं, उसके साथ एक कंडीशन है, पवित्रता। और यहोशू और इजरायली लोगों के सामने जब ये चुनौती आई, तो उनको परमेश्वर ने की बात बोली कि तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है, तब तुम आश्चर्यकर्म देखोगे। जब आप इस साल में प्रभु की बड़ी महिमा देखना चाहते हैं, प्रभु की बड़ी ग्लोरी देखना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मालूम है एक काम करना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको पवित्रता में चलना है, पवित्र बनकर रहना है। चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी पवित्रता को कभी ना छोड़े। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी इस वर्ष में, और एक चुनौती प्रभु आपके सामने रखते हैं, और वो है आपको पवित्र बनना है। प्रभु सदैव पिता से विनती करता है, इसे इस वर्ष रहने दे, इस जीवन को। मैं जानता हूं कमियां हैं, मैं जानता हूं गुनाह अभी भी बाकी है, मैं जानता हूं अभी भी पाप है, अभी भी गलतियां करता है, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके भीतर पाई जाती हैं, बहुत सारी कमियां हैं, पर उसके बावजूद भी यीशु पिता से विनती करते हैं, मालूम है क्या, इसे इस वर्ष रहने दे। क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जब कोई मुझ पर अपना ट्रस्ट दिखा रहा है, हम पर अपना भरोसा जता रहा है और ये विनती कर रहा है इसे इस वर्ष रहने दे, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भरोसे को पूरा करें। हालेलुया। और जब मैं और आप उस भरोसे को पूरा करते हैं और हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, प्रभु यीशु के साथ एक संबंध में आते हैं, तब प्रभु हमारी लाइफ को पवित्र करता है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला, बाइबल में ऐसे लिखा है ना, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। पर जब आप इस पवित्रता को चाहते हैं, तो आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी तो उसकी पवित्रता की सामर्थ आपको पवित्र करेगी। हालेलुया। चांदी के भीतर से जब चांदी को पवित्र करना होता है, उससे मैल अलग करना होता है, तो पता है उस चांदी से जो मैल दूर करते हैं, उनके हाथों में पाई जाती है, तभी तो उसे जांचते हैं और उसे तपाते हैं और उसमें से मैल को दूर करते हैं। अब बाइबल में लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने के बाद वो काम की हो जाती है। हालेलुया। आपके जीवन में भी हो सकता है बहुत सारी अशुद्धियां इस वर्ष में हो, बीते वर्ष में भी बहुत सारी चीजें थी जो आप उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए, अपने आप को पवित्र नहीं कर पाए, मलिनता पाई जाती होगी, पर इस वर्ष में जब परमेश्वर ने आपको भरोसा दिया है और आप पे ट्रस्ट किया है कि हाँ इस वर्ष में मेरा बच्चा पवित्र होगा, पवित्रता का जीवन जिएगा, पवित्रता से चलेगा, मेरी आज्ञाकारिता में चलेगा, ओबीडियंस में चलेगा, तो ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि हम उसके उस ट्रस्ट को पूरा करें, उसके भरोसे को पूरा करें। यर्दन नदी जब अपने उफान पे थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। आपको मालूम है जब आप इस वर्ष में आए, बहुत सारी चीजें आपको सामना करनी है, बहुत सारी
टेम्पटेशन आपको फेस करनी है, बहुत सारी चुनौतियां आपको फेस करनी है, और उन सब से बाहर निकलने में आपको परमेश्वर का मिरेकल चाहिए, उसका आश्चर्यकर्म चाहिए। ये यर्दन के पार नहीं जाते, ये पार नहीं हो पाते और कनान में एंटर नहीं कर पाते अगर परमेश्वर इनके मध्य में आश्चर्यकर्म नहीं करता। प्रभु ने आश्चर्यकर्म किया जब याजकों के पांव उस नदी में पड़े। लिखा है बाइबल में कि यर्दन का जल सूख गया। हालेलुया। आपका जो ये साल है ना जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, पूरा ईयर अभी बाकी है ना, चुनौतियां बहुत सारी है, पर जिस घड़ी आपने प्रभु का हाथ थाम लिया और प्रभु से कहा प्रभु आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मैं आपको आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूंगा, आप बस मेरे साथ रहिए, आप बस मेरे साथ हो जाइए, इस साल को हम ऐसे पार कर लेंगे प्रभु। पता है क्या होगा, जितनी भी ऊंची नीचे टेम्पटेशंस है, जो पहाड़ की तरह है, उफान की नदी की तरह है, उफनती नदी की तरह है, वो सब क्या होगा, फ्लैट हो जाएगी। हालेलुया। यही तो हुआ, जैसे यर्दन में उनके पांव पड़े सूख गया सब कुछ। जैसे ही परमेश्वर आपके साथों के काम करना आरंभ करेंगे, जब आप अपने आप को पवित्र बनाएंगे, पता है परमेश्वर ऐसा आश्चर्यकर्म करेगा, सब कुछ जो बहुत उबड़ खाबड़ आपके लिए था इस साल में, जो बहुत सारी चुनौतियां थी इस साल में, बहुत सारी टेम्पटेशन थी इस साल में, वो सब कुछ फ्लैट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, प्रभु सब को आपके जीवन से अलग कर देगा। हालेलुया। खूबसूरत बात है ना, प्रभु कह रहा है इस वर्ष इसे रहने दे, यानी कि आपको एक अनुग्रह का वर्ष दिया गया है। प्रियो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वर्ष में उन बातों को अपनी लाइफ से अलग करके पवित्रता में आ जाइए, जो बातें अभी तक आपके जीवन में पाई जाती हैं और उनसे आप शुद्ध नहीं हुए, उनसे आप पवित्र नहीं हुए, उन गुनाहों को छोड़ने का समय है। अगर उसने ट्रस्ट करके एक वर्ष दिया है तो याद रखिएगा, इस वर्ष में हमें बहुत काम करना है, इस साल में बहुत अपने जीवन का आकलन करना है। प्रभु कहता है ये वर्ष आपके लिए उन्नति का वर्ष है, आपको मालूम है बढ़ोतरी का वर्ष है, पर कैसे होगा, बढ़ोतरी तो सिर्फ एक ही कारण से आती है, परमेश्वर ने कहा बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, केवल परमेश्वर ही बढ़ाता है, और जब परमेश्वर बढ़ाने वाला है तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना है। प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए मेरे प्रियो, इस वर्ष को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और आप देखेंगे कि जो भी चिंताएं हैं आपकी लाइफ में, लास्ट ट्यूसडे में बहन ने एक बात को प्रचार किया कि बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी, विवाह की चिंता होगी, कैसे सारी बातें होंगी घर की, पूरी जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर है वो कैसे पूरी होंगी। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, बहन ने आपको बताया था आपको वर्ड को थामना है ना, और इस दिन में मैं आपको एक दूसरा भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन है वचन में बने रहिए, दूसरी उत्तम बात परमेश्वर में बने रहिए, सदैव सर्वदा परमेश्वर के साथ बने रहिए, ठहरे रहिए। जितना अधिक आप प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे, जितना आप उसके निकटता में रहेंगे, उतना वो आपको पवित्र करेगा। हालेलुया। जाने हम सब अंगीठी जला के बैठते हैं, आग जलाते हैं ना, आग जला के बैठते हैं, आग से आग के पास से उठने का मन नहीं होता, कारण क्या है, क्यों क्यों हमें आग इतनी प्यारी लग रही है, मन में एक ही कारण है, क्योंकि आग से हमें गर्मी मिलती है, ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी आग से मिलती है, इसलिए हमारा मन करता है इसके पास से उठ के नहीं जाए, ऐसे ही है ना। क्या हो रहा है, जल हो रही है, गर्माहट आप पा रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने खुद कुर्बान होकर अपने लहू को बहाकर, उस लहू को बहाकर जिसमें पवित्रता है, उस लहू को बहाया आपके लिए मेरे लिए, और इसलिए कि मैं और आप पवित्र हो जाए। जब हम आग के पास बैठते हैं, आग की गर्मी
हम पे ट्रांसफर होती है। वैसे जितना हम प्रभु के साथ बैठेंगे, जितना हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उतना अधिक उसकी चीजें, अब वो पवित्र है तो आप सोचिए जब आप उसके पास रहेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। वो आश्चर्यकर्म करता है, जब आप उसके साथ रहेंगे तो आप आश्चर्यकर्म करने वाले बन जाएंगे, है ना। वो अपनी जुबान से गलत बातें नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। तो जब आप उसके साथ रहेंगे आपके मुंह से भी छल की बातें निकलना बंद हो जाएगी। हालेलुया। जो कुछ उसका गुण है, जो कुछ प्रभु यीशु की गुण है, जो कुछ परमेश्वर के गुण है, वो सारे गुण आपके भीतर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उसके पास बैठना है। इस साल में सारी चीजों को एक तरफ रखकर पहला डिसीजन ये लीजिए अपनी लाइफ में कि लॉर्ड मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, हालात कोई भी हो, मुझे आपके साथ बैठना है तो बैठना है, आपके साथ रहना है तो रहना है, अधिक से अधिक समय प्रभु आपके साथ बिताऊंगा। हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं बट जो मुख्य रेजोल्यूशन हम नहीं बनाते, प्रभु इस वर्ष तेरे साथ हो, है ना। दाऊद कहने लगा अपने भजन में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहता हूं कि जीवन भर तेरे भवन में अर्थात तेरी उपस्थिति में पाया जाए। हालेलुया। कह रहा एक वर मांगा है, इस साल आपने बहुत वर मांगे होंगे प्रियो, एक वर दाऊद की तरह मांग कर देखिए, कहिए परमेश्वर एक वर मैं आपसे मांगता हूं और जीवन भर उसका यत्न भी करूंगा कि मैं तेरी उपस्थिति में पाया जाऊं, तेरे साथ पाया जाऊं, तेरे साथ ठहरा रहूं परमेश्वर। और जिस घड़ी आपने ये प्रभु से मांगना आरंभ किया, मैं आपको बता सकता हूं प्रियो कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको भर देगा। आपकी जीवन के हर एक क्षेत्र में वो इतनी भरपूरी ले आएगा कि आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आप ही कहता है मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये बातें पता है सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर ये होंगी कैसे, ये होंगी तब जब मैं और आप परमेश्वर के साथ में, जब मैं और आप अपना जीवन टोटली सरेंडर करेंगे प्रभु के हाथों में, टोटली डिसाइड करेंगे कि प्रभु मुझे आपके साथ चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। याद रखिएगा मैंने आरंभ में बोला परमेश्वर ने इस साल आप पर भरोसा किया है, क्या आप इस साल परमेश्वर के भरोसे को पूरा करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे अपने बुलाहट को, क्या सिद्ध करेंगे उसके ट्रस्ट को जो उसने आप पर दिखाया है। उसने कहा है पिता से साल से रहने दे, इस साल रहने दे, मैं मेहनत करूंगा ये फल लाएगा। पर उसके आगे एक बात थी, अगर लाए तो भला नहीं तो उसे काट कर। याद रखिए अगर आप इस वर्ष में फल लेके आ गए, इस साल फल लेके आए तो आपके लिए भला हो, अगर नहीं तो याद रखिएगा कि हम काटे जाने के कागार पे भी पहुंच सकते हैं, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है धनवान के विषय में और लाजर के विषय में, धनवान के पास बहुत सारे मौके थे पर एक समय आया जब उसका जीवन ले लिया गया, फिर वो चिल्लाता रहा, फिर वो पुकारता रहा, फिर कोई आशा नहीं। मैं नहीं चाहता प्रयोग कि हमारे जीवन ऐसे हो, मैं चाहता हूं हर एक जन जब इस संसार को छोड़े तो उसके पास एक चीज हो, कुछ हो ना हो, दौलत हो ना हो, शौहरत हो ना हो, नेम फेम हो ना हो, पर एक चीज उसके पास हो और वो आशा कि प्रभु यहां से जाऊंगा तो तेरी गोद में पाया जाऊंगा। हालेलुया। तैयार है ना इस साल में, अभी से जितने दिन बीते, 7 तारीख है, जितने दिन बीत गए, अब आगे से आपको बस एक ही चीज में बने रहना है, प्रभु आपकी उपस्थिति में पाया जाए, आपके साथ बैठा रहूं, आपके साथ ठहरा रहूं। ये साल आपके साथ ठहरे रहने का साल बन जाए। आइए प्रभु अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें प्रभु इस साल में मुझे ठहरे रहने का अनुग्रह दे।
इस साल में आपके साथ बैठे रहने का अनुग्रह दे, इस साल आपके साथ संगति करने का अनुग्रह दे, प्रार्थना का अनुग्रह दे, उपवास करने का अनुग्रह दे, एक सीधी चाल चलने का अनुग्रह दे, खराई का जीवन जीने का अनुग्रह दे। प्रिय पिता, मैं आपकी संतानों को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। सच है कि हम उस अंजीर के पेड़ के समान हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी आप विनती करते हैं, इसे इस वर्ष और रहने दें। प्रभु, हो सकता है बीते वर्ष तक जो हमने जीवन जिया वो आपको ग्रहण योग्य ना हो, बीते वर्ष में भी बहुत कमियां रही हो पिता, पर इस वर्ष चाहते हैं प्रभु हम आप दाखलता जो है उसके साथ जुड़ जाए, आप जो सच्ची दाखलता है उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि आपने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इस साल प्रभु सच में हमारे लिए चुनौतियां बहुत हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं परमेश्वर, पर प्रभु हम जानते हैं जब आप हमारे साथ रहेंगे तो सारे पहाड़ मैदान हो जाएंगे, सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारी चुनौतियां प्रभु मैदान के समान हो जाएंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रिय पिता, आपके इस झुंड को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता अपनी दया से, अपने अनुग्रह से प्रभु इन्हें सींचे, प्रभु ये आपसे जुड़े और फलवंत हो जाए, ताकि जब परमेश्वर पिता इन्हें देखें तो प्रभु इनमें फल नजर आए, आत्मा के फल नजर आए, आत्मा के वरदान नजर आए। प्रिय पिता, हर एक जन को आपके अनुग्रह में सौंपता हूं, आपकी दया में सौंपता हूं, चाहता हूं प्रभु इस समय अपने लोगों की सहायता करें, इस ठंड के मौसम से प्रभाव से भी बचा के रखें, बहुत ठंड है पिता, मैं चाहता हूं तेरे लोग तेरी गर्माहट में रहे, तेरी सुरक्षा के बाड़े में रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये वर्ष सरलता से बिताने पाए पिता, आपके साथ रहकर आपकी हुजूरी में रहकर, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।